गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22, एक्सरसाइज 9.3। ओके, तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोर्ड पे। इफ PHQL एंड अदर टर्म ऑफ एन जी पी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ए टू द पावर क्यू माइनस आर बी टू द पावर आर माइनस पी सी टू द पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू 1। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखेंगे PHQL एंड आर टर्म ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो जो PH टर्म है तो उसको मैं अलग अलग से ए पी, क्योंकि हमारे पास ए बी सी अलग अलग है, स्मॉल लेटर्स पहले से हैं, तो हम यहाँ पर को कैपिटल लेटर के साथ चलेंगे। ठीक है, तो ए पी हमको दिया है ए बी पी सॉरी ए क्यू हमको दिया है या स्मॉल बी एन के आर हमको दिया है स्मॉल सी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि देखो यहाँ पर ए बी सी स्मॉल लेटर पहले से थे, तो हमने यहाँ पर को कौन से यूज कर रखे हैं, कैपिटल लेटर यूज कर रखे हैं। ठीक है, तो वेट फॉर अ मिनट, लेट मी डू समथिंग। ओके, नाउ इट्स गुड। ठीक है, तो अब होता क्या है जीपी का, मतलब जीपी का यहाँ पर मतलब क्या है, जीपी क्या होता है का जनरल टर्म अगर मैं बात करूं होता है ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ए आर कैपिटल लगता हूं क्योंकि स्मॉल आर पहले से है, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन का होता है जब एन एक्स टर्म हो, तो पी एच टर्म है तो पी माइनस वन इज इक्वल टू स्मॉल ए। इसका मतलब हुआ ए आर टू दी पावर क्यू माइनस वन इक्वल टू स्मॉल बी, ए आर टू दी पावर स्मॉल आर माइनस वन इक्वल टू स्मॉल। अब इसने कहा प्रूव दैट ए बी सी मीन्स ए टू दी पावर क्यू माइनस आर बी टू दी पावर आर माइनस पी एन सी टू दी पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। ए तो एल एच एस में आ रहा हूं, ए ए की जगह कितना है ए आर टू दी पावर पी माइनस वन टू दी पावर क्यू माइनस आर। क्यों भाई, ए की पावर काम है इसने और ए तो कंप्लीट ही है, तो होल पावर बी की जगह कितना ए आर टू दी पावर क्यू माइनस वन टू दी पावर आर माइनस पी इंटू ए आर टू दी पावर आर माइनस वन टू दी पावर होल बी माइनस क्यू। ठीक है, अब होता क्या है, पावर क्या हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूट, जानते हो छोटी क्लास में पढ़ा है 6th में। ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी ए की पावर क्यू माइनस आर, यहाँ से ए की पावर आर माइनस पी, यहाँ से ए की पावर पी माइनस क्यू, और सब मल्टीप्लाई में है, तो अगर बेस सेम होते हैं तो पावर एड हो जाती है। तो यहाँ पर को ए की पावर क्या लिखने वाले हैं, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ठीक है, अब आर को भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और आर भी सब किसमें है मल्टीप्लाई में है, ये इसको मिल जाएगा मल्टीप्लाई, हम डालते हैं ना ए की पावर एम होल पावर एम ए की पावर एम एन, तो कुछ वैसे ही हाल होगा इसका। ठीक है, तो क्या बनेगी बात, आर टू दी पावर पी माइनस वन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा सा ए प्लाइन शॉर्ट कर रहा हूं। ठीक है, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्योंकि एड होगी लास्ट में पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस। ठीक है, अब समझना इसके बाद की बात कि यहां तो माइनस आर प्लस आर कैंसिल माइनस टू प्लस पी माइनस टू प्लस क्यू और ए टू दी पावर जीरो समथिंग टू दी पावर जीरो इज वन। यहां बात करते हैं आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो आर की पावर क्या चलेगा पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, तो पी क्यू माइनस पी आर
माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस आर प्लस क्यू आर क्यू इंटू पी माइनस पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस आर प्लस माइनस माइनस प्लस पी ठीक है। आगे देखते हैं प्लस ये पावर भी चल रहा है आर पी यानी पी आर आर क्यू माइनस क्यू आर माइनस इंटू प्लस यानी माइनस पी माइनस माइनस प्लस क्यू और आप देखेंगे पी क्यू प्लस है पी क्यू माइनस है पी आर नेगेटिव है पी आर पॉजिटिव है माइनस क्यू नेगेटिव है माइनस प्लस क्यू भी है प्लस आर भी है तो माइनस आर भी है क्यू आर है क्यू आर भी है माइनस पी प्लस भी है तो आर की पावर बची जीरो एंड समथिंग टू दी पावर जीरो इज वन। ओके तो इसको देख लेंगे आप अब देखते हैं अगला क्वेश्चन ठीक है समझ आई आपकी बात। मल्टीप्लाई किया है जो पावर साइड होती है हम जानते हैं वही चलता है अभी। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है देखो फर्स्ट ओके सॉरी द फर्स्ट एंड एंड टर्म ऑफ अ जीपीआरएमबी फर्स्ट एंड एनथ टर्म ऑफ जीपी आर ए एंड बी मतलब बेसिकली फर्स्ट और लास्ट टर्म दे दिया इसने ठीक है। आगे कहता है एंड पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स और पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स प्रूव दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी टू द पावर एन पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी टू द होल पावर एन ठीक है ये चीज आपने प्रूफ करनी है। तो देखो फर्स्ट टर्म यानी कि a1 इज इक्वल टू a और nth टर्म an इज इक्वल टू b तो an को भी मैं क्या कह सकता हूं ar की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b। अब जो p है समझना है p क्या है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स तो gp के जो टर्म होंगे वो किस तरह से चल रहे होंगे a1 a2 a3 कहां तक ar की पावर n माइनस 1 तक और ये प्रोडक्ट किसके इक्वल है p के इक्वल। आप देख सकते हो a1 की जगह तो a आएगा a2 की जगह क्या आएगा ar आया होगा a3 की जगह ar स्क्वायर रहा होगा ar की पावर n माइनस 1 ऐसे रहने देते हैं हालांकि आप कहोगे मैं b2 नहीं लिखा क्योंकि अभी काम है हमारे पास ठीक है ये काम बाद में करेंगे। a a a कहां तक आया होगा n टाइम्स तक क्यों क्योंकि ये सम प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स है आपको k माइनस 1 नहीं ये r चलेगा n माइनस 1 क्योंकि शुरू ही यहां से हो रहा है तो एक कम रहेगा ठीक है तो जाएगा e की पावर n a n टाइम्स जाएगा तो e की पावर n कह सकता हूं इनटू यहां r की पावर 1 आई होगी 2 आई होगी 3 से कहां तक n माइनस 1 तक तो r की पावर ऐड हो जाएगी पावर ऐड हो जाएगी n माइनस 1 ठीक है इज इक्वल टू p देन a टू की पावर n इनटू देखो अरे ये क्या क्रिएट कर रहा है इसको चेक करो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कैसे सॉल्व करोगे 3 माइनस 2 1 2 माइनस 1 1 ap बना रहा है तो इसको ऐड कर सकता हूं sn के फॉर्मूले से ठीक है इसके ap के sn से तो सिर्फ इसको अगर सॉल्व करके देखूं कितना रहा होगा लेकिन कहां तक देखना भाई 1 से लेके n 1 तक तक आप कहोगे तो n टर्म था n टर्म तक था लेकिन a वाला तो यहां आ गया और तो शुरू यहां से हुआ है तो n 1 टर्म तक रहेगा तो sn 1 क्या रहेगा n upon 2 n 1 upon 2 a plus n कह सकता हूं 1 plus n minus 1 यह आया n into n minus 1 upon
उसके बाद हम फिर आगे को बढ़ते हैं। तो यहाँ तक की बात हमारी बन चुकी है, मैं इसको अरेंज कर देता हूँ या फिर कुछ और कर सकता हूँ, यहाँ बना सकते हो कितना स्पेस है। तो यहाँ आएगा क्या p इक्वल टू a टू दी पावर n इंटू r टू दी पावर n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अब इसने कहा कि p स्क्वायर इक्वल टू इतना लाना है, सॉरी ठीक है, p स्क्वायर इक्वल टू इतना लाना है, तो ऑब्वियस है यहाँ p है तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से p स्क्वायर आएगा और यहाँ से क्या आएगा देखते हैं, a टू दी पावर n इंटू r टू दी पावर n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 टू दी होल पावर 2। अब ऑब्वियस है 2 दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू a टू दी पावर 2n इंटू यहाँ तो स्टेप कैंसिल होगा मल्टीप्लाई होगा तो r टू दी पावर बचेगी n इंटू n माइनस 1। अब मैं ये काम कर रहा हूँ कि इस n को दोनों होल में दे देता हूँ, दोनों के साथ है तो डिस्ट्रीब्यूट किया था तो वापस लेता हूँ इनको, r को डिस्ट्रीब्यूट किया था n वापस ले रहा हूँ, तो ऐसा तो कह सकता हूँ। देखो ये तो भाई अपने काम के हिसाब से हमको चाहिए क्या, ऐसा कर सकता हूँ मैं, नाउ p स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ a दो है यानी कि a स्क्वायर दो ये है, तो एक a अलग रखता हूँ, एक इसके साथ रख देता हूँ, p स्क्वायर इज इक्वल टू a तो a ही रहा और a r की पावर माइनस 1 हम जानते हैं b है, तो a b की होल पावर क्या चले गया, n चले गया, ठीक है ठीक है, हमने यहाँ से n पकड़ के बाहर रख दिया और a स्क्वायर को दो ही में ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इसको बनाएंगे आप, इसको नोट कर लेंगे, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक पॉज करके नोट कर रहे हैं। कॉमन ले
चलो, अंदर बचा होगा r टू दी पावर 2 n माइनस 1 माइनस r टू दी पावर n माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, ये हो गया कैंसिल। तो क्या आया, ये आया आपका a अपॉन r टू दी r माइनस 1 r टू दी पावर 2 n माइनस r टू दी पावर n। बेसिकली यहां पर दो r टू दी पावर n है, r टू दी पावर n इनटू r टू दी पावर n, तभी तो r टू दी पावर 2 n रहा होगा। तो a r टू दी पावर n बाहर आया, r माइनस 1 यहां बचा होगा, r टू दी पावर n माइनस 1 बस। अब आपका इसका रेशियो लेना है इसके साथ, यानी कि यहां का रेशियो इसके साथ, और ये क्या है, इसका सम ये है और इसका सम ये आ गया। तो अब अगर रेशियो ले रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, यहां पर रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होल अपॉन a r टू दी पावर n अपॉन r माइनस 1 ब्रैकेट में r टू दी पावर n माइनस 1। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, r माइनस 1 r माइनस 1 r टू दी पावर n माइनस 1 r टू दी पावर n माइनस 1 से ये कैंसिल, क्या बचा r टू दी पावर n बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो क्या बचेगा 1 अपॉन r टू दी पावर n। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग से ही रही, बाकी आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, इसको बना लेंगे, ठीक हो गया। इसको एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ए बी सी डी आर एंड जी पी, ए बी सी एंड डी आर एंड जी पी रोते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू AB plus BC plus CD whole square। ये ज्यादा नहीं, तो अगर दो तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको सीधे सिंपल अप्रोच के साथ ले जाता हूँ, ठीक है, अप्रोच थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आप लोगों के, तो सिंपल अप्रोच के साथ चल रहे हैं। लेट A equal to AE लेते हैं, B equal to AR, C equal to AR square, D equal to AR, मान लीजिए ये प्रोग्रेसिव टर्म है और एक वन बाय वन मतलब क्या कॉन्जुगेट होता है। तो अब एलएचएस लेते हैं, ए की जगह ए रहा तो ए स्क्वायर बना, बी की जगह ए आर आया तो ए आर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर बना, प्लस सी की जगह ए आर स्क्वायर आएगा तो उसका भी होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आर टू पावर फोर बन जाएगा। यहाँ बी स्क्वायर करोगे यानी ए स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आर टू पावर फोर आएगा, प्लस डी स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आर टू पावर सिक्स आएगा, फिर उधर सिक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू पावर फोर, और यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हो, ए स्क्वायर आर स्क्वायर दोनों ले सकते हो, ए स्क्वायर आर स्क्वायर अंदर बचेगा वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू पावर फोर। तो क्या कह सकते हो, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की पावर फोर जा रहा है वैसे, ठीक है, तो ऐसा कहता हूँ ए स्क्वायर आर का होल स्क्वायर ले रहा हूँ, क्या बुरा है, कुछ बुरा नहीं है, और इसको ये दोनों सेम टर्म है तो इसको ले रहा हूँ वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू की पावर फोर का होल स्क्वायर। ये बन गया है एलएचएस। नाउ कम टू आरएचएस, क्या है आरएचएस, ए बी मतलब ए इंटू ए आर प्लस बी सी ए आर इंटू ए आर स्क्वायर प्लस सी डी ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये बात बनी ए स्क्वायर आर, ये बना ए स्क्वायर आर क्यूब
प्लस ये बना ए स्क्वायर आर सिक्स का स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर आर को मैं ले सकता हूँ, लेकिन होल स्क्वायर का बाहर क्या आएगा, बाहर आएगा ए स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, अंदर बचेगा वन प्लस आर स्क्वायर इसके पास बचेगा, क्योंकि यहाँ से लिया तो ए स्क्वायर आर, लेकिन बाहर से स्क्वायर था तो वो भी साथ में आएगा, तो ए स्क्वायर आर का होल स्क्वायर वन बचा, यहाँ पे आर स्क्वायर बचा, यहाँ पे आर की पावर फोर बचा का होल स्क्वायर, तो भाई ये तो वही है, LHS RHS इक्वल हो गए, कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ठीक। ओके चलो एक और बना लेते हैं, इसको बना लेना, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, और कौन सी बात थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन अ जीपी, ठीक है, क्या कह रहा है, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81, समझना भाई, 3 और 81 के बीच में दो नंबर रखने हैं, मान लो A1, A2, ताकि ये जीपी बन गया, बन जाए, ग्रेड हो जाए, ठीक है, तो मान लो भाई, अब ऑब्वियस था, होता क्या है, पहले एक बात बता दो, कि जैसे ए है और ये बी, इसके अंदर A1, A2, A3, मैंने nth टर्म रखने हैं, तो कंडीशन क्या बनेगी, बताना, ये वाला टर्म जो रहा होगा, ये nth टर्म रहा होगा, n 1 2, तो मैं कह सकता हूं ये जो b टर्म है ये क्या रहा होगा, a n plus 2th टर्म रहा होगा is equal to b, gp में है तो ar to the power n minus 1 is equal to b, तो ar to the power n plus 1 is equal to b, basically ये कंडीशन रह जाती है, आप इसको कुछ भी और फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो, तो इसके हिसाब से अगर इसको देखूं तो a कितना 3, r के बारे में तो पता नहीं, r की निकाल लें, r की पता चल जाएगा तो सब काम हो जाएगा, n प्लस 1 n कितना, ये n यानी कि दो टर्म, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू b कितना है 81, तो जाएगा 3 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 81, ये कैंसिल हुआ कितने टाइम्स, 27 टाइम्स, तो आर कितना आ जाएगा 3, बस खत्म हो गई बात, आर बन गया है, आगे का काम आप कर सकते हो, दोनों टर्म निकाल लेना, ये पता चल गया, आर पता चल गया, ये आर या आर स्क्वायर आर निकाल लेंगे, ठीक है, तो वो ये यहाँ तक की बात बनी, ठीक है, ओके, तो बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ओके, थैंक यू।